Hello friends, I'm Ruby Gupta and today I'm teaching you how to frame questions in past. Now we are going to learn the WH family also. Now what are WH words like when, by, how, where, how long, how much, how many? So I'm going to explain you all these words today. Now आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें WH family है, WH words हैं जैसे when, why, how, how many, how long. हमने ये सारे वर्ड सुने होते हैं बट समटाइम्स वी रियली गेट परप्लेक्स्ड, वी रियली गेट कन्फ्यूज्ड कि उनको यूज कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे बनाने हैं एंड सो ऑन. तो अगर आप आज इस WH फैमिली को अच्छी तरह से सीख जाते हो तो इट्स वेरी इजी टू नॉट ओनली फ्रेम क्वेश्चन इन पास्ट बट ऑल्सो इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आपके लिए वो क्वेश्चन पैटर्न इतना ईजी हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ बाद में हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बाकी की जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगी. अब पहले काम करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं WH क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं पास्ट में. कुछ इवेंट हुआ था पास्ट में जिसके बारे में आपको बताना है. फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने एक बर्थडे पार्टी दी थी तो आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी दैट वाज लास्ट वीक. नाउ कैन यू आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट दैट कि आपने कौन सा केक खरीदा था, कितने गेस्ट्स को इनवाइट किया था एंड ऑल दैट. Now here you should have actually the knowledge. So I think we should come back to this question again after learning the sentence pattern and the question pattern actually. So let's have a look at this. Now I'm showing you this question pattern here. Now did plus subject plus V1. We have already learned this. ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि did you go there? Did you buy something? क्या आपने कुछ खरीदा? यहाँ पे हम यस नो टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना होगा. यस आई वेंट देयर, नो आई डिड नॉट गो देयर, लाइक दैट. दिस इज द टाइम टू लर्न WH. अगर आपने ये वाला अच्छी तरह से सीख लिया है स्ट्रक्चर तो नाउ दिस WH पैटर्न इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. हमें सिर्फ यहाँ पे एक WH वर्ड ऐड करना है, लेकिन सिर्फ ऐड नहीं करना है, वी आर ऑल्सो लर्निंग इट्स मीनिंग कि मीनिंग क्या होगा इसका. जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको यहाँ पे. Did तो यहाँ पे कॉमन है, जब भी वर्ब आएगी तो हमें did यूज करना ही है, जैसे रिटर्न, गो, सिलेक्ट, बाय एटसेट्रा. अब हमें यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो WH वर्ड है उनके मतलब क्या है. सो लेट्स सी द मीनिंग्स फर्स्ट. दिस इज हाउ वी हैव टू सी द मीनिंग. नाउ व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया. व्हाट इज क्या. वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम, आपने इसको कहाँ से खरीदा. हमें यहाँ पे फ्रॉम भी लगाना हो क्योंकि क्वेश्चन है कहाँ से खरीदा. Why did you select that? Why? क्यों? जब हमें reason पूछना होता है किसी से कि आपने ये क्यों select किया, you will use why did you select that? Who did you go with? आप किसके साथ गए? कैसे पूछेंगे आप? Who did you go with? अब हम whom नहीं use करते हैं, अब whom is outdated, so there is no need to use whom did you go with or with whom did you go. तो it's an outdated pattern जिसको आप use नहीं करोगे यहाँ पे. Likewise, when did you return from there? When, कब? जब आपको time पूछना है किसी से कि आप कब आए थे वापस या कब आपने वो काम किया था, तो that is when, कब. How did he manage there? मैंने यहाँ पे अलग अलग subjects use किए हैं, यहाँ पे he, she, they, आप according to the context use कर सकते हो. How did he manage there? उसने वहाँ पे कैसे manage किया. How is कैसे, जिसमें आपको एक manner बताना है कि आपने कैसे manage किया. उसी तरह से हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे या फिर हाउ लॉन्ग डिड दे स्टे, हाउ लॉन्ग डिड ही स्टे. आप सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हो फिर से. हाउ लॉन्ग बताता है ड्यूरेशन कि आप अगर कहीं बाहर गए तो आप वहाँ पे कितने समय के लिए रुके. सो हाउ लॉन्ग डिड दे स्टे देयर. लाइक वाइज विच सुविनर डिड दे बाय, विच मतलब कौन सा. लेकिन इस विच के बाद आपको डायरेक्ट ये नहीं यूज करना है, उसके बाद आपको जो कौन सी चीज है वो जो नाउन है वो भी आपको लगाना है. जैसे आपने कौन सी बुक खरीदी तो विच बुक डिड यू बाय, आपने कौन सी जगह देखी तो विच प्लेस डिड यू विजिट. तो विच प्लेस, विच बुक, विच सुविनर. सुविनर होता है जो एक खास चीज, जो किसी जगह की जो स्पेशलिटी होती है जब हम कहीं घूमने जाते हैं, व्हेन वी गो फॉर अ हॉलीडे एंड इफ वी बाय इट फ्रॉम देयर दैट इज कॉल्ड सुविनर. अगर आप शिमला जाते हो और वहां से कोई एक वहां की कोई स्पेशल चीज लेके आते हो, कोई लकड़ी के बने बर्तन या कुछ भी, तो दैट इज सुविनर.
कुछ लोग कश्मीर जाते हैं, वहां से शॉल्स वगैरह लेके आते हैं, तो दैट इज सुविनर. सो सुविनर इज द स्पेशल थिंग एज अ मेमोरी वी ब्रिंग, एज अ जेस्चर वी ब्रिंग टू अवर हाउस और इवन फॉर अवर फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा. इन विच होटल डिड दे स्टे, कौन से होटल में रुके थे? तो आप यहाँ पे क्या सीख रहे हो साथ में, विच, सिर्फ कौन सा होटल नहीं है, कौन नहीं, विच होटल, इट इज इन विच होटल, कौन से होटल में रुके थे. दैट्स व्हाई आप इसको इन को बाद में भी लगा सकते हो, विच होटल डिड दे स्टे इन. सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस अवेलेबल. हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड देयर, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड देयर, हाउ मच यूज होता है कितना, एंड हाउ मेनी भी कितना होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि हाउ मच इज यूज्ड फॉर, हाउ मच इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी एंड हाउ मेनी इज यूज्ड फॉर नंबर. जहां पे आप काउंट कर सकते हो चीजों को, जो काउंटेबल है उसके लिए आप यूज करोगे हाउ मेनी, एंड हाउ मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स, जहां पे आप 1, 2, 3 नहीं कह सकते हो. सो हाउ मच मनी, मनी के लिए हमेशा हाउ मच यूज करेंगे हम. जब आप रुपीज कहते हो तो हाउ मेनी रुपीज, क्योंकि मनी 1 money, 2 money नहीं होती है, इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो इट इज हाउ मच. I hope the meanings are clear now. So we move on to this part. So this is how you can frame questions. So this is your question making. जिस तरह से आपको questions बनाने हैं, I think it is very easy for you now because जो structures हैं वो हम already सीख चुके हैं. हमें सिर्फ यहाँ पे WH word add करना है according to the meaning. तो जो आप word use करोगे वो बिल्कुल correct होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे who कहना है या why कहना है, where कहना है, like that. So I have given you the important WH words here. अगर आपको ये पता है, आपको ये pattern पता है, तो आप easily इसमें बहुत सारे questions बना सकते हो. And you can ask about anybody's particular incident कि भाई आपने birthday party में क्या किया था. So I think now you are able to talk about the birthday party, and you can also say that you can ask so many questions here. That what did you do and what did you buy and when did you throw the party and so on. So you have got these list of questions जो मैंने अलग अलग randomly लिखे हैं without any context, so that when you practice you use your mind and you use your knowledge, your understanding to frame questions. Now I would suggest you this book again. You can practice from this book also. Unit 12 is there. So you just do 1 or 2 sections in the beginning and then start practicing this. Now this is the reading time. Now reading is very important. आज मैंने एक टॉपिक लिया है यहाँ पे हॉलीडे, जिसमें आप अपना एक हॉलीडे एक्सपीरियंस बता रहे हो. आप यहाँ पे पहले इसको रीड करोगे. I went for holiday last month. I booked my ticket 3 months back. 3 महीने पहले ही मैंने अपनी टिकट्स बुक करा ली थी. I stayed there for a fortnight. Fortnight is a period of 15 days. तो आप वहाँ पे 15 दिन रुके थे, तो आप कह सकते हो I stayed there for a fortnight. I went there to enjoy the scenic beauty. आप क्यों गए थे वहाँ पे? To enjoy the scenic beauty. अच्छा, एक और चीज याद रखनी है आपको. I went, हमने यहाँ पे second form use की है, but जब हम उसके बाद कोई verb use करेंगे तो that is with to. So I went there to enjoy, नहीं होगा to enjoy the scenic beauty and to get some change from my routine and monotonous life. I went shopping, fishing, boating, swimming there. मैंने वहाँ पे स्विमिंग की, बोटिंग की, तो आई वेंट फॉर स्विमिंग कहने की जरूरत नहीं है, आप कह सकते हो आई वेंट स्विमिंग. लाइकवाइज आई बॉट सम सुविनर्स फ्रॉम देयर. यू ऑलरेडी नो द मीनिंग सुविनर, कोई स्पेशल चीज जो हम लेके आते हैं किसी हॉलीडे डेस्टिनेशन से. एंड आई केम बैक विद इन अ वीक, मैं एक हफ्ते में ही वापस आ गया. आई ई, दैट इज इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे आप बोलने में, दैट इज ऑन 2nd of June. तो आप कब वापस आए? On 2nd of June, जो भी डेट है वो आप बता सकते हो. I came on Sunday, on Monday, या फिर on 2nd of June, 22nd of June, like that. कोई भी डेट हो सकती है. I have written here 22nd of June, like that. तो आपने वहाँ पे बोटिंग करी, फिशिंग करी, तो I went fishing, I went boating, like that. आप इस तरह से कहोगे. So this is your holiday experience. Now this is the time to practice this. How will you practice? Pair up and inquire about the holiday your classmate had enjoyed last week. Imagine karna hai aapko ki your friend went for a holiday, and now this is the time to practice.
प्रैक्टिस करनी है आपको, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं उससे कि वो कब गया था, कैसे गया था, क्यों गया था, कितने दिन के लिए गया था, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर एंड ऑल. आस्क क्वेश्चंस एंड योर पार्टनर विल आंसर. सो यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस बोथ द थिंग्स हियर, द क्वेश्चन मेकिंग एज वेल एज हाउ टू आंसर. आप यहाँ पे येस नो टाइप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, जैसे डिड यू एंजॉय दैट, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था. सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर नाउ. And now you can ask many questions about birthday party that I showed you and about this holiday destination. So ask questions. Ek bar aap questions puchoge, then your partner will ask you questions, and this is how you can move about. Thank you so much. Keep practicing and all the best.